हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिव्यू ओनली। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए लिपस्टिक हॉल, वो भी सिर्फ और सिर्फ रेड कलर की लिपस्टिक्स। मेरी फेवरेट अभी तक मैंने जितने यूज़ किए हैं रेड लिपस्टिक्स, उनके बारे में आज मैं बात करूँगी। और एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी मेरे पास लिपस्टिक्स हैं और ये बेस्ट हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी मैंने ऐड किया हुआ है, बेस्ट लिपस्टिक है। एक लिपस्टिक ऐसी है जिसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बट फॉर्मूला उतना पसंद नहीं है, तो उसके बारे में भी मैं आपके साथ बात करूंगी। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ये रेड लिपस्टिक कौन सी लगाई हूँ, तो मैं आपको सबसे पहले दिखा देती हूँ। मैंने लगाया है ये वाला शेड, ये है मेबेलिन की सेंसेशनल लिक्विड मैट। और शेड नंबर तो मिट चुका है, शेड नेम मिट चुका है, बट शेड नंबर है 03। बहुत ही खूबसूरत एकदम टोमेटो रेड जो होता है वो वाला शेड है। तो चलो सबसे पहले मैं इसी के बारे में बात करती हूँ। तो आप शेड देख लो, एकदम टोमेटो रेड है और कहीं से भी ये निकलने का नाम नहीं लेने वाली है। बहुत रीजनेबल है, सबके प्राइस मैं स्क्रीन पे डालती रहूंगी। और ये शेड आप देख लो, ब्यूटीफुल शेड है। मतलब इसको अप्लाई करने के 5 सेकंड बाद ही ये अच्छे से ड्राई हो जाती है, बहुत स्मूथ। मतलब मैं अभी बात कर रही हूँ, स्टिकी फील नहीं हो रहा है, बहुत कंफर्टेबल है, मक्खन जैसे अप्लाई हो जाती है। तो इसको हाईली मैं रिकमेंड करूँगी। अगर आप रेड, प्रॉपर एक रेड कलर सर्च कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो। बहुत अच्छा है, बहुत सस्ता है, अच्छा ब्रांड है। ये कलर आप देख लो, बहुत सुंदर वाला कलर है, एकदम प्रॉपर रेड कलर है। तो इसको हाईली मैं रिकमेंड करूँगी। और इसका एप्लीकेटर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा एप्लीकेट, उसको भी मैं हाईली रिकमेंड करूंगी आपको। नेक्स्ट लिप शेड की बात करूंगी तो ये भी, और ये नायका की है, ड्रेस्ड टू किल। और ये भी बहुत ब्यूटीफुल वाला रेड कलर है, ये आपको बुलेट में मिलेगा। इसका शेड आप देख लो, बहुत ब्यूटीफुल वाला शेड है, बहुत प्यारा वाला रेड कलर है। और सबसे अच्छी बात की बहुत ज़्यादा रीजनेबल है, तो आप इसको ले सकते हो डेली अगर ऑफिस जाते हो तो, उसके लिए बेस्ट है, बहुत जल्दी निकल जाती है। बट शेड इज रियली वेरी प्रिटी, इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है, लिप्स पे बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाती है, क्वांटिटी बहुत अच्छी मिल रही है। प्राइस रेंज के हिसाब से अगर देखें तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसको भी हाईली रिकमेंड करूँगी। और नायका के ब्रांड तो यार क्वेश्चन ही नहीं है कुछ, आप बिलीव कर सकते हो, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग इस रियल। के बारे में बात करूँ तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी आई थिंक अपने शॉर्ट्स में भी मैंने शेयर किया हुआ है। ये है मामाअर्थ की लिक्विड लिपस्टिक और इसका शेड नेम है रेड वेलवेट 06। बहुत क्यूट सी छोटी सी लिपस्टिक है, 200 या 215 में मुझे मिला हुआ था, बट मैं डेफिनेटली इसका बड़ा साइज लेने वाली हूँ, क्योंकि ये इतनी प्यारी शेड के अलावा इतने अच्छे से टिकी रहती है, मज़ा आ जाता है। मतलब ऐसा लगता है मैं कुछ मक्खन अप्लाई कर रही हूँ अपने लिप्स पे, इतना प्यारा, बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाती है। छोटे होने के बावजूद इसका एप्लीकेटर बहुत ज़्यादा अच्छा दिया है। और इसका शेड मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत प्रॉपर वाला एक रेड कलर है, बहुत अच्छा लगता है। और ये प्रॉपर एक रेड है, मतलब एक जो एक होता है ना एकदम अच्छा वाला रेड, जैसे ये मैंने पहना हुआ है तो वैसा ही है। पहनने पे बहुत खूबसूरत है, बहुत स्किन को कॉम्प्लीमेंट करता है। इसका बड़ा साइज आई थिंक 500 समथिंग का है, बट अगर मैं परचेज करूंगी तो मैं बड़ा बात करूंगी। नेक्स्ट लिप शेड तो वह कप्स एंड लैशेस की, इसके बारे में भी मैंने बहुत बात किया है आपसे, बहुत सारे वीडियोस में इसके बारे में मैंने बात किया, बट अभी रेड लिपस्टिक की बात हो रही है तो इसको मैं भूल नहीं सकती हूँ। और क्यूट सी पैकेजिंग है, छोटी सी पैकेजिंग है, ये मिनी लिपस्टिक्स हैं एक्चुअली। इसका 3 का सेट भी आता है और एक सिंगल लिप भी आप ले सकते हो। ये शेड है स्क्रिबल स्टोरी, बहुत प्यारा वाला शेड है, छोटे होने के बावजूद बहुत अच्छी क्वांटिटी में आपको मिल रहा है। कलर कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर है पैकेजिंग का। और इसका शेड पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत सुंदर वाला रेड कलर है और थोड़ा सा इसमें मरून का टच दे देंगे तो वो वाला रेड बन जाता है। ये भी बुलेट है, 2 से 3 घंटे अच्छे से टिका रहेगा, बट अगर आप चाय समोसे ऐसे कुछ खाते हो तो थोड़ा सा यहाँ से निकलना शुरू हो जाता है, बट अप्लाई करने में बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है, बहुत स्मूदली अप्लाई हो जाता है। और ये भी आई थिंक 100 समथिंग का है, वो भी मैं लिंक दे दूँगी। पर्पल में ही सिर्फ अवेलेबल है, तो आप पर्पल। मेरा फेवरेट रेड लिपस्टिक कौन सा है, एक्चुअली सारे हैं, बट होता है ना किसी एक, इतने सारे में कोई एक आपको जो बहुत पसंद होगा, कहीं आप जाते हो तो ज़्यादातर वही लगाते हो। ये के ब्यूटी का लिप शेड बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी पैकेजिंग की बात करें, इसका फॉर्मूला का बात करें, कितना स्टे करती है उसके बारे में बात करें, मतलब सब कुछ में परफेक्ट है। ब्यूटीफुल वाला मरून और रेड का कॉम्बिनेशन में ये रेड कलर है, ये कुछ ऐसे आपको मिलेगा, ऐसे अप्लाई करना पड़ेगा। और देख लो बस इतना ही बचा है, मैंने पूरा इसको इतना ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। मैं इसका कलर आपको दिखाना चाहूँगी,
बहुत सुंदर। तो इस शेड को अगर दो तीन बार अप्लाई करो तो ये प्रॉपर एक अच्छा मरून कलर बन जाता है, जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और ये स्टे भी बहुत अच्छा करता है। कुछ भी खा लो ये एज इट इज आपके लिप्स पे रहेगी। और ये मुझे ऑफर प्राइस में 400 समथिंग का मिला, थोड़े हाई होते हैं कि मुझे, कि सारे प्रोडक्ट्स मुझे हाई वाले लगते हैं बट अच्छे हैं, तो इस वजह से लोग इन्वेस्ट करते हैं, लोग बाय करते हैं। बट फिलहाल आप ये लिपस्टिक जरूर से ट्राई करना। मैं फिर से इसका शेड नेम बता देती हूँ, द आफ्टर पार्टी। कैसी लिपस्टिक, जो मुझे इसका फॉर्मूला नहीं पसंद है क्योंकि ये स्टे बिल्कुल नहीं करती है, बट इसका कलर बहुत ज्यादा सुंदर है। तो ये है मामा अर्थ की लिपस्टिक और शेड नंबर 07 रूबी रेड, बहुत प्यारा वाला रेड कलर है। आ देती हूँ, बहुत सुंदर वाला रेड कलर है। और पता नहीं क्यों मैंने जितने यूट्यूबर्स को देखे इसके बारे में सबने अच्छी बातें की है, ठीक है उनका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, बट मेरे साथ ऐसा हुआ कि इसको अप्लाई करने के बाद ही मैं अगर पानी भी पीती हूँ तो ये पूरे ग्लास पे छप जाती है। इसका स्टे पार, इसका ये स्टे बिल्कुल नहीं करती है। इनफैक्ट इनका जो लिक्विड लिपस्टिक है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट बुलेट वाले से इससे मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड निकल जाती है। मैं मामा अर्थ की एक और लिपस्टिक यूज़ करती हूँ रेड में, शेड है 06 मेलन रेड। ये वाला बहुत ज़्यादा डिफरेंट है दोनों में, ये बहुत ज़्यादा निकल जाती है और कलर बहुत ज़्यादा सुंदर है। टिकती बहुत अच्छे से, अप्लाई बहुत अच्छे से होती है, 400 समथिंग में आपको मिल जाएगी। मैं दिखा देती हूँ, इधर वाला रेड लगता है, बहुत डिफरेंट लगता है। ये वाली बहुत अच्छे से स्किन पे टिकी रहती है और ये वाली, इसका कलर बहुत ज्यादा सुंदर है। बात करेंगे मेरा ये लिप पैलेट, ब्लश एज आई शेडो एज लिपस्टिक सब कुछ यूज कर लेती हूँ। एक्चुअल में ये लिप पैलेट ही है बट मैं हर तरीके से इसको यूज करती रहती हूँ। ये है स्विस ब्यूटी ऑन टू मूव लिप पैलेट, 9 कलर्स आपको मिल जाएंगे। जो मेरा फेवरेट दो शेड है वो है एक ये वाला सबसे कॉर्नर में, ये वाला बहुत खूबसूरत वाला रेड है, बहुत अच्छा लगता है मुझे और बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है। इससे थोड़ा लाइट अगर बात करें तो ये वाला शेड इस साइड में बहुत प्यारा वाला ये भी शेड है, ये भी बहुत अच्छे से बटर की तरह अप्लाई हो जाता है। और सबसे अच्छी बात, इतना ज़्यादा पिगमेंटेड है कि इसको आप एज अ आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो। मैं तो करती हूँ एज अ ब्लश, एज अ आई शेडो, मतलब मल्टीपर्पज काम करता है और प्राइस बहुत ज़्यादा सस्ता है। तो 9 शेड है, पॉकेट फ्रेंडली है, बजट मतलब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो उसमें भी आराम से इसको रख सकते हो। ओके, अब जिस लिपस्टिक में बात कर रही हूँ ये थोड़ा आपको रेड मरून टोन में ज़्यादा होगा, बट मैं इसको ऐड करना चाहती थी क्योंकि ये लिपस्टिक का कलर मुझे बहुत प्रिटी लगता है। ये थोड़ा रेड से हटके है बट रेड की फैमिली से ही है तो इस वजह से मैं इसको ऐड करूंगी। ये भी सेम मेबलिन सेंसेशनल लिक्विड लिपस्टिक है, 02 शेड नंबर है और अच्छा लगता है मुझे बहुत ज़्यादा। और मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, ये थोड़ा आपको ब्राउन दिखेगा बट ये ब्राउन नहीं है, ये तो बहुत डिफरेंट सा एक शेड है, बहुत सुंदर लगता है लगाने पे और बहुत एक अलग सा एक लुक आता है। आप अगर कुछ इंडियन वियर पहन रहे हो तो उसके साथ ये कलर बहुत सुंदर लगेगा। अगर आप कुछ इंडियन वियर पहन रहे हैं तो उसके साथ ये कलर बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा, बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट करेगा स्किन को, इस वजह से मैं इसको भी हाईली रिकमेंड करूँ। इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा है, बजट फ्रेंडली है। बात करूँगी नेक्स्ट शेड की तो इसके बारे में भी आपने मेरे हॉल में, मेरे वीडियोज में बहुत बार सुना होगा, वो है ये शुगर की लिपस्टिक। ये भी बहुत प्यारा वाला रेड है, बहुत डिफरेंट लगता है, बहुत ट्रांसपेरेंट वाला कलर, मतलब ट्रांसपेरेंट मतलब एक बार में अच्छे से एकदम वाटर जैसा अप्लाई हो जाता है और कलर इसका ओ माई गॉड बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत चटक वाला रेड है, अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात कि बहुत अच्छे से टिका रहता है, मुझे ये ऐसी ये वाली लिपस्टिक्स बहुत पसंद है शुगर की। और शुगर की बहुत सारी लिपस्टिक्स ऐसी होती थी जो बहुत ड्राई कर देती है बट ये ड्राई नहीं करती है, बहुत अच्छा है। और पैकेजिंग इज़ वेरी क्यूट, कलर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लॉन्ग स्टे करती है। मेरी फेवरेट ये भी लिपस्टिक है और इसमें की भी मेरे पास 3 लिपस्टिक्स हैं, तो लॉरियल पेरिस की लिपस्टिक इन द शेड 115 आई एम वर्थ इट, और बहुत खूबसूरत वाला इसका जब ये अप्लाई करते हो ना इतना ज़्यादा लाइट वेट, मतलब लगता ही नहीं है कि मैंने कुछ अप्लाई किया हुआ है, बहुत अच्छा स्मेल कर रहा है, झूमर। ये भी बहुत प्यारा वाला रेड कलर है, एकदम वाटरी वाटरी सा है बट ड्राई होने के बाद अच्छे से मैट हो जाता है। वाटर खाओ, कॉफ़ी खाओ, वाटर पियो, कॉफ़ी पियो, समोसे खाओ, बर्गर खाओ, कभी ये नहीं निकलेगी, इतनी कंफर्टेबल होती है लिप्स पे, बटर जैसी अप्लाई हो जाती है, ड्राई होने के बाद मैट हो जाती है बट आपको मैट मैट फील नहीं होगा क्योंकि इतनी ज़्यादा ये ट्रांसपेरेंट जैसा फील होता है। क्योंकि मैं माई ग्लैम की लिपस्टिक्स की, इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, ब्लैक गोल्डन और वाइट में, और इसका शेड नेम है सीरेन, अगर मैं ठीक से पढ़ रही हूँ तो। इसे 4 घंटे आपके लिप्स पे रहेगा, उसके बाद आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा, बट इसका कलर बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसका कलर बहुत ज़्यादा सुंदर है, प्रॉपर मैट में है, अच्छी खासी क्वांटिटी मिल रही है।
तो इसको भी आप ले सकते हो अगर एक बजट फ्रेंडली लिपस्टिक लेना है तो। इसको भी मैं हाईली रिकमेंड करूंगी। 600 समथिंग का होता है या 700 समथिंग का, जो भी होगा स्क्रीन पे डाल दूंगी। और डिस्काउंट पे ही लेना, मैं ये आपको बोलूंगी कि डिस्काउंट पे ही हर जगह चेक करके आप इसको लीजिएगा। ओके, अब बात करूंगी मैं ब्लू हेवन के पेंट एंड पाउच लिपस्टिक की। लाइट कलर वाला रेड है, अच्छा लगता है, बहुत डिफरेंट लगता है। ये आपको ऐसे ब्रश मिलेगा, आपको यहाँ पे पुश करना पड़ेगा, ये कुछ ऐसा कलर मिलेगा आपको, बहुत लाइट कलर वाला रेड है। और पार्टीज के लिए, जो नाइट की पार्टी होती है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इतना अच्छे से ऐसा लगता है कि मैं कहीं पेंटिंग कर रही हूँ, इतने अच्छे से अप्लाई हो जाता है एक ही बार में। और ये भी ज़्यादा से ज़्यादा चार से पाँच घंटे आपके लिप्स पे रहेगा, उसके बाद आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। बट कलर इज रियली वेरी 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 प्रिटी और बजट फ्रेंडली भी है। ब्लू हेवन ब्रांड भी अच्छा है। तो लास्ट लिपस्टिक तो वो है लैक्मे की, लैक्मे एब्सोल्यूट की लिप पेंट, जो इनका एक रेंज निकला था उसमें। बहुत ही क्यूट पैकेजिंग मुझे लगती है इसकी, मतलब कहीं भी बैग में आराम से रख लो। इसके साथ इसका एक ब्रश भी आपको मिलेगा जो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। देती हूँ यहाँ पे, ये देखो, बहुत डिफरेंट, बहुत सुंदर लगता है। और इंडियन वेयर पे बहुत सुंदर लगेगा और बहुत अच्छे से स्टे करता है, इस मुझे बहुत पसंद है। और पैकेजिंग, मतलब ये लिपस्टिक खत्म होने के बाद भी मैं ये छोटी सी डब्बी नहीं फेंकने वाली हूँ, मुझे इतना प्यारा लगा है। और ये ऑफर प्राइस में मुझे बहुत सस्ते में मिला था, मैं इसीलिए आपको बोलती हूँ बार बार कि ऑफर में लेना। जो भी सेल आती है नायका पे, पर्पल पे, उसका आप तो ज़रूर उठाना बेनिफिट, क्योंकि बहुत अच्छे सेल में आपको मिल जाते हैं प्रोडक्ट, अच्छे प्राइजेस में मिल जाते हैं। तो इस वजह से मैं बोलूँगी, जितने भी मैंने दिखाया, आप सेल का वेट करना, कार्ट में रख लेना, सेल का वेट करना, जब भी सेल हो तो आप इसको परचेज कर सकते हो। आपको कैसा लगा ये हॉल प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, लिंक्स होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लीजिएगा। क्योंकि आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान दीजिए, खुद से बहुत सारा प्यार करिए। लव यू ऑल, बाय।